Don't forget to subscribe. I'm not mad. This is my banner name. Okay, but my original name. What? What is your name? I will tell you. If you remember my name, I will give you this perfume as a gift. As a gift. Or if you can't remember my name, then. Then I will give you my iPhone, okay? Yes, ओए बच्चे उसका मुंह तो नीचे करना। ये स्पीकर पड़े हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं काफी बड़े पड़े हुए हैं। इनका रेट बताइएगा। अच्छा यानी कि बिल्कुल ठीक है सकते हो। पिंक इस तरह भी अंकल के पास पड़ी हुई है। व्हाट अ फैंटास्टिक कलर। ये कलर देखो यार मुझे बहुत पसंद आया है। अच्छा जो पैंट्स पड़ी हुई इनके पास 350 की, आपके पास हर कलर पड़ा हुआ है। 1500 वाले का सिर्फ 1000 रुपए है, इधर 500 में आपको मिलेगा। अच्छा यार साइकिल्स लगी हुई है, अंकल से जाके ना जो भी है यहाँ पे उनसे जाके पूछते हैं कि क्या रेट वगैरह। हर चीज पड़ी हुई है और हर कलर आप लोगों को मिल जाएगा। ये बहुत पड़े हुए हैं यानी कि इन्होंने बहुत अच्छी चेक कर इसका साथ कवर दिया। ओ वाह, तो ये जो ठीक पड़ी हुई है इनके पास। अच्छा यानी कि ये जो कुछ पड़ा हुआ है आप लोगों को वजन के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 1200 अगर थोड़ा बहुत कम नहीं करोगे। डब्बे में पड़े हुए ब्लैक पड़े हुए, यानी कि ये लेडीज इनके पास चेस पड़ी हुई है। तो ये ऑन हो गया, 800 रुपये का आपको यहाँ से मिल रहा है, जो कि बाइक से आपको 2500 का मिलता है। और ये मोबाइल्स पड़े हुए हैं इनके, तो आप लोगों को नजर आ रहा है। आप लोगों को कुछ चाहिए ना ठीक, तो वो अंकल के आगे वो पड़े हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यार मैं बहुत आराम सुकून से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ऊंचा सा बोला ना, हेलो, अगर मैंने इससे भी ऊंचा बोला ना, तो यकीन करो मेरे घर के पास जितने भी पड़ोसी हैं ना, सारे उठ के ना आके छत पे ना आके मुझे ऊपर चढ़ा के ऊपर से उसके ऊपर चढ़ा के उन्होंने ऊपर से दिखा दे देना। तो मैं आप लोगों को बताऊँ इतना आराम से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो आई थिंक कैमरे में शायद इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से सही नज़र आ रहा क्योंकि अभी है रात। रात से मुराद है कि यार फजर का टाइम है, नमाज फजर का टाइम था, आपका भाई नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, इतना शुक्र करूँ उतना काम है वो, इसलिए यार आज मैं नमाज पढ़ूँ पढ़ी है ना, मैंने यकीन करो इतने टाइम बाद नमाज पढ़ी है मैं आपको बता नहीं सकता। तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गया आपके भाई ने नमाज नहीं पढ़ी, और यकीन करो काफिर बना हुआ था मैं। काफिर में और मुसलमान में फ़र्क है नमाज का। फॉल चलते हैं नीचे, मिलते हैं आप लोगों को यार, मैं जा के सो जाऊँ। सुबह आज है वैसे भी जुम्मा, और देखते हैं हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं, शुगर भी लगाते हैं यार आज। 3 hours later बहुत दिल की है कि मैं ना सो जाऊँ जा, लेकिन जब मैं गया हूँ ना बिस्तर पर, फिर जाके मुझे याद है अगर मैं अभी सो गया ना, तो मैंने ना 1-2 बजे से पहले उठना नहीं है, और 2 बजे हो जाएगा जुम्मा, तो इसीलिए लिहाजा अभी मैं सोता नहीं, उठता हूँ जाके नाश्ता वगैरह करता हूँ, और ना आने वाले टाइम में मतलब कि 3-4 घंटों बाद नहा हो के इजी होकर फ्रेश होकर नमाज पढ़ लूँ। नाश्ता करके आप लोगों का भाई ऊपर आ गया। धूप ना सिर्फ इसी लोकेशन पे आ रही है क्योंकि वो देखो सूरज अभी वहाँ से निकल ही रहा है, ठीक है, बाकी पूरी छत पे धूप नहीं है आप लोग देख सकते हैं। अभी नाश्ता करके मैं छत पे आया हूँ, और ना गर्मा गर्म मैं चाय बना के लेकर आया हूँ अपने लिए खुद। अब तो यार जोश वगैरह बनता है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, उस टाइम सारे सोए थे। एंड एनीवेज यार अभी आप लोगों को पीछे से शायद हल्की हल्की आवाजें आ रही हो, जुम्मा वगैरह जो है स्टार्ट हो गया, और कुछ देर तक यहाँ पे भी बस स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आ गया ऊपर, और वहाँ से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि हवा क्या ही जबरदस्त और जालिम चल रही है। अभी आसमान जो है बिल्कुल साफ है, सिर्फ इसको कोई मसला वगैरह हुआ है, अकेला गुड्डा उड़ा रहा है, बाजू वगैरह थका रहा है। जब आपका भाई भी इतना सा होता था ना, इतना सा था कुल बात में जाना, पहले मैंने आगे ना अपना गुड्डा शुड्डा उड़ाना होता था। सबसे पहले अभी हम करते हैं अपने नेल का, यहाँ पे लोगों को नजर आ रहा है। मैंने जिंदगी में कभी इतने बड़े नाखून नहीं किए, अगर कभी बड़े हो भी जाए ना, तो मैं नाखून ना दांत काट लेता था। इस दफा पता नहीं क्या यार अजीब नशे है। खैर यार मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं सारी रात नहीं सोता, अल्लाह माफ करे, मुझे पता नहीं क्या हो गया यार। पबजी का ना कितना गंदा नशा है ना, इतना गंदा नशा अगर आप लोगों को लग जाए ना, मैं कहता हूँ बढ़ जाती है हर चीज, बढ़ जाती है यकीन करो। मगर बस यार बहुत कम कर देनी है, क्राउन हो गया बस इस करके ना फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक। यार लगता है शायद दोनों रूम मिलेगा, नहीं नहीं एक रूम सकेगा। अभी जो है मैं नमाज में पढ़ के आ गई हूँ, और हमारी गली में ना फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, जुम्मे वाले दिन ना इतनी रेडी होती है ना गली में, गली ना ऐसी हुई होती है जैसे ना फ्रूट ट्रेड हुई हो। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो 100 रुपये दर्जन केले छले लगे हुए हैं, माल्टे हैं, एप्पल हैं, फ्रूट्स हैं। चेक करो नमाज वगैरह निकल रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाय हाय, ना ना क्या हाल है आपका, कैसे मजे में, कैसी है आपकी तबीयत। तो यार अभी कुछ इस तरह का सीन है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये है हमारे पाकिस्तान का सबसे फेमस जगहों में से एक फेमस डोखब्बा, और आगे थोड़ा सा जाके ना लगता है पाकिस्तान का मतलब के डोखब्बे का, यहाँ कमेटी चौक का कह सकते हो आप लोग, चीपस्ट सस्ता बाजार।
तो हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन चीन है, कोई फोन शून आईफोन सस्ते रेट पे सस्ती चीजों में हमें कोई मिल जाएगी या नहीं। तो आओ चलते हैं, सारों से पहले जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि बाजार कितना बड़ा है। तकरीबन वहाँ से स्टार्ट हो ही जाता है ठीक है वहाँ से, लेकिन हम बिल्कुल एंड तक आप लोगों को पूरा टूर शुअर करवाते हैं आज बाजार का। लेट्स गो, मेरे साथ है वो मेरा संगी, वो देखो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अभी इसे पकड़ती है वो, पता नहीं किसने फंस गया, उसे लेके चलते हैं। जा रहे हैं हम चोर बाजार, चोर चोर। लो जी यहाँ से बाजार स्टार्ट होता है और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा बाजार है यहाँ पे। ये देख सकते हो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हर चीज आपको सस्ते रेटों पे मिल जाएगी, सस्ते दामों में, यानी कि आप कह सकते हो हाफ रेट पे मिल जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पे। यार संडे को ना इस साइड पे लगता है बाजार ही लगता है, लेकिन वो ना कपड़ों वाला होता है, यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी लगे हुए हैं कपड़े, आप लोग देखो दीवारों पे इन्होंने हैंग किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं कोई चीज वगैरह देखते हैं, अगर हमें कोई अच्छी चीज नजर आती है तो उसका रेट वगैरह पूछते हैं। घर का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, और छुटियां छुटियां कैंची वगैरह, किसी के बाल काटनी हो टक लगाना हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये रेडियो पे कपड़े, और ये देखो ये है टूल बॉक्स, टूल बॉक्स कह रहा हूँ, टूल्स पड़े हुए हैं आपके। यार मैंने आप लोगों को फोन्स का बताया था कि यहाँ पे फोन्स वगैरह भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कवर देखो, मैंने इनसे रेट बता कि ये 50 रुपए का बता रहे हैं। ये मोबाइल्स पड़े हुए हैं इनके, तो आप लोगों को नजर आ रहा है बहुत से मोबाइल खराब हैं ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं इनमें अगर आप लोगों को कुछ चाहिए ना ठीक, तो वो अंकल के आगे वो पड़े हुए हैं। तो अंकल के पास जाते हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या सीन वगैरह है। बाकी आज उनके पास जाके ना देखते हैं। अभी मुझे इशारे कर रहे हैं कि वीडियो ना, लेकिन हम बनाएंगे भाई, बिकॉज वी आर पिंडी बॉय। वहाँ से आने के बाद अब हमें नजर आ रहे हैं कुछ चार्जर्स वगैरह हैं, और ये लीड्स डॉक्टर शिप डॉक्टर घड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, एप्पल वॉचेस तुम लोग देख सकते हो, रोलेक्स वगैरह, लैपटॉप, सबसे बड़ी चीज लैपटॉप पड़ा हुआ है, वूफर्स हैं, और मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, LED के रिमोट्स वगैरह यहाँ पे चीजें पड़ी हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे जाके क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यार मुझे ना अभी एक अंकल नजर आए हैं जिन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो सेल्फी स्टिक पड़ी हुई है उनके पास, स्पीकर्स पड़े हुए हैं। तो अंकल से रेट पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये सेल्फी स्टिक का रेट बताइएगा। 250 रुपये की सेल्फी स्टिक, और जो स्पीकर पड़े हुए हैं वो भी काइंडली बता दीजिएगा। 1000 रुपये का ये, 800 रुपये का ब्लूटूथ। अच्छा यानी कि ये चलते हैं। अच्छा यानी कि ये चलते भी हैं, वो चेक करो तो ये ऑन हो गया। 800 रुपये का आपको यहाँ से मिल रहा है, जो कि बाइक से आपको 2500 का मिलता है, और वो 1000 रुपये के 250 रुपये की सेल्फी स्टिक्स पड़ी हुई है। बाकी ये देख सकते हो जो लीड्स हैं। अंकल ये सारा कुछ ठीक है आपके पास, सारे ओके ना, ये सब कुछ ठीक पड़ा हुआ है। 100 रुपये की, अच्छा 100 रुपये की है, 2 मीटर की है, यानी कि इतनी लंबी इसकी लेंथ होगी, आप लोग देखो 2 मीटर की है, और ये 100 रुपये की है, और ये डॉक्टर भी 100 रुपये। वाह यार ब्यूटीफुल, 100 का डॉक्टर, 100 की लीड, आपको इतनी सस्ती चीजें मिल रही है यहाँ से, बेहतरीन। एयरपोर्ट भी है आपके पास, खत्म हो गए। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लड़कियों के भी शूज पड़े हुए हैं ठीक है, और इस साइड पे मर्दों के भी पड़े हुए हैं, आप लोग आके चेक करो। पिंक पिंक फेवरेट कलर है लड़कियों का। ये डब्बे में पड़े हुए ब्लैक पड़े हुए, यानी कि ये लेडीज इनके पास चीज पड़ी हुई है। हाँ भाई क्या रेट दे रहे हो? 1200। थोड़ा बहुत कम नहीं करोगे? तुम्हारी लिए फ्री दे। हाय मेरी जान, लव यू यार, यकीन करो, आई लव यू, हाथ मिला दो यार। भाई भाई के लिए फ्री दे देंगे यार, ठीक हो गया, फ्री दे दी है, जेब में डाल लिया। ओए इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊं, ये मेरा पुराना स्कूल जहाँ पे मैं 6th क्लास तक पढ़ूँ। खैर यार स्कूल का डिस्कशन बाद में करेंगे। ये पड़े हुए शूज 1200 रुपए के रेट दे रहा है, तो डिस्काउंट भी कर सकता है। तो यही सीन है यहाँ पे भी, मैंने आपको दिखाया है। चलें आगे यार, ये ग्रोकरी का सामान है यहाँ पे, ये चीजें पड़ी हुई है, तो आप लोग देखो साफ सुथरी प्लेटें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मुझे बता सकते हैं ये जो आपने सामान रखा हुआ है इनका रेट क्या है? हमारे पास जो व्हाइट में होता है वो हम देते हैं 650 रुपए किलो। 650 रुपए किलो, अच्छा किलो के हिसाब से। और बाकी जो चीजें पड़ी हुई हैं, जो भी चाहिए आप वजन में ले। अच्छा यानी कि ये जो कुछ पड़ा हुआ है आप लोगों को वजन के हिसाब से मिलेगा, हर चीज का जो रेट है ना किलो के हिसाब से है। ये देख सकते हो यार, ये जो है पता नहीं मुझे इनके नाम वगैरह भी नहीं आते, बस ये पता है कि ये देखो चटने के लिए सामान पड़ा हुआ है, प्लेट्स पड़ी हुई है, बॉल्स पड़े हुए हैं, किलो के हिसाब से 650 रुपए में किलो के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ पे डिशेस पड़ी हुई हैं, बाकी ये देखो ये पड़े हुए हैं, घर का सामान पड़ा हुआ है, तो इजीली बंदा यहाँ से ना परचेज कर सकते। ये मशीन कितने की है? 7000। और ये जूसर मशीन, अच्छा ये 500 रुपए के रेट से, अच्छा सारी खराब है, ये ठीक है, तो ये जो ठीक पड़ी हुई है इनके पास 7000 की पड़ी हुई है। अच्छा ये ना बताते भी हैं कि खराब है, यानी मैंने आपको बताया था जूसर मशीन का, तो ये देख सकते हो रफ कंडीशन में, बंदा बाहर से ठीक करा सकता है इजीली, 500 का इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे। और ये जो एम पड़ा हुआ है ये कितने का सेल हो गया? कितने का सेल किया है? 10000 का। स्पीकर भी पड़े हुए हैं, एम भी पड़ा हुआ है, इन्होंने 10000 का सेल कर दिया है, तो बेस्ट ऑफ लक जिसको मिला है। मैंने ना आपको एयरपोर्ट्स का बताया था कि यार एयरपोर्ट्स भी इनके पास अवेलेबल होते हैं, तो मुझे ये भाई नजर आए हैं जिनके पास ये पड़े हुए हैं, यकीन करो इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। ये कितने के हैं? 300 रुपए के। ये बिल्कुल ठीक है।
चार्जिंग करनी पड़ती है। अच्छा यानी कि इसे चार्जिंग करनी पड़ेगी, तो वो जो आपके पास पड़े हैं वो आपने साइड पे क्यों रखे हुए हैं, वो खराब है, चाहिए की चीज है। अच्छा इनके पास एयरपॉड्स पड़े हुए हैं, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छी चेक कर, इसका साथ कवर भी है। ओ वाह, डाल इसके अंदर, बाय वन गेट वन फ्री, वही साहब है यार लड़कियों वाला, आओ पिंक लो और चली जाओ, यानी के कवर ठीक है, कहीं और ना निकल जाया कर तू। अच्छा ये देखो ये पड़े हुए हैं एयरपॉड्स, अडॉप्टर वगैरह पड़े हुए हैं, इनके पास माउस पड़े हुए हैं, चला यार आगे चले। वाह जी वाह, शलवार कमीजें भी पड़ी हुई है यहाँ पर भाई साहब, मैं कहता हूँ पिन पैक हुई हुई है। ओए देख दे पूरा आएगा, पहन के चेक कर रहे हैं यार, उतार दे यार कपड़े उतार चल। यार इनके पास ये देखो यहाँ पे आए हैं, मैं आगे आया हूँ गाड़ी में, भाई ने पूरा स्टॉक लगाया हुआ, चेक करो आप लोग, सलवार कमीजें पड़ी हुई हैं, हर कलर आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखो जी लाइम ग्रीन कलर, येलो कलर, येलो में तो नहीं आता, बहुत लाइट कह सकते हो, व्हाइट कलर पड़ा हुआ है, ब्लैक भी हो जाएगा यार, आई थिंक पता नहीं इनके पास साइज भी होंगे या नहीं, वो भाई से पता कर लेते हैं साइज। अस्सलाम वालेकुम भाई, वीडियो बंद करें, वीडियो नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी। जब तक मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था भाई को याद नहीं आया वीडियो बनाने में, पास आया तो भाई कहते वीडियो नहीं बनानी, एज यू विश। भाई मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, आपका फोन यहाँ से चला जाएगा, यार वीडियो ना बनाओ यार, हम भी इधर ही रहते हैं क्या, हमारे मुंह पे पागल लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने उनसे बात की है, बताए मुझे कहाँ पे जाएगा, आगे से जवाब नहीं दे रहे। कोई बात नहीं यार, हमारा क्या, हमारी वीडियो निकल आएगी, जिसने जो बोलना है बोले, मैं तो वीडियो बनाऊंगा यहाँ, कोई है रुकने वाला, कोई है यार। मैं आगे आया हूँ, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, मोटरसाइकिल का सामान पड़ा हुआ है, शॉक्स पड़े हुए हैं, बैरिंग पड़ा हुआ है, साइकिल के रिम्स वगैरह पड़े हुए हैं, वो देख सकते हो वो साइकिल्स लगी हुई हैं। अंकल से जाके ना जो भी है यहाँ पे उनसे जाके पूछते हैं कि क्या रेट वगैरह है, आपके पास कौन कौन सी साइकिल्स पड़ी हुई हैं, कहेंगे हमें बताएं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर है, देखो ये ना मार्केट साइकिल लगे हुए हैं यहाँ पे, तो आओ चलते हैं वहाँ। यार कपड़ों में सारों से ज़्यादा चीज़ जो मुझे पसंद आई है ना, वो यहाँ पे लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो कोट वगैरह लगे हुए हैं, टू पीसेज इनके पास अवेलेबल है, इन्होंने यहाँ पे भी रखे हुए हैं, तो भाई से रेट पूछते हैं, यार ये थोड़े फ्री हो जाए यहाँ पे, देखो कितने लोग खड़े हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाए फिर मैं इनसे रेट पता किया है, रेट पता किया, क्या कह रहे हैं, 300 वाला भी है और 500 वाला भी है, जो हमें पसंद आएगा ना उन्होंने हमें 500 का देना। कलर देख सकते हो आप लोग यार, कितने प्यारे पकड़े हुए, भाई ने जो पकड़ा हुआ बहुत प्यारा कलर है, ऑल कलर अवेलेबल है यार, ये चेक करो आप लोग यार, साइड भी हो जाओ यार, सारों ने राशि लगा दिया हमारे यहाँ तो यार। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप रेट बताएंगे इनका, तो नहीं बताएंगे भाई, रेट बताएं मुझे जरा, क्या क्या लगाया हुआ आपने, ये को बस्कट है, ये 650 वाली का 500 रुपए, ये वाली बस्कट, अच्छा ये 650 की बाई से मिलते, यहाँ से 500 की मिलेगी, अच्छा ये जितने भी कोड लगाओ ये 1500 वाले का सिर्फ 1000 रुपए है, इधर 500 में आपको मिलेगा, अच्छा यहाँ बाई से आपको मिलेगा 1500 2000 का, यहाँ पे आप कितने का दे रहे हैं, 500 रुपए, ये आपको 600-700 में मिलेगा, इधर 400 में आपको मिलेगा, अच्छा यानी 300-400 आपको 500 में मिल जाएंगे, आपके पास 2 पीस भी पड़े होंगे, टू पीस नहीं पड़े, अच्छा वेस्ट कोट पड़े हुई है और बाकी ये कोट पड़े हुए हैं, ठीक है सॉरी यार, वो कलर देख सकते हो आप लोग, मैरून कलर पड़े हुए हैं, बहुत कलर इनके पास पड़े हुए हैं अच्छे अच्छे, वहाँ से आने के बाद हमें ये भाई नजर आए हैं इनके पास, ये देखें पेंट्स वगैरह लगी हुई है, यार ये क्या रेट दे रहे हैं भाई जान, 350 और ये जो आपने ये लगाई हुई है गर्मी सर्दियों के स्वेटर, अच्छा ये 250 के, अच्छा महंगी हो जाएगी आगे और महंगी हो जाएगी, बारिश होंगी तो और महंगी हो जाएगी, कलर देखो यार मुझे बहुत पसंद आया है, अच्छा जो पैंट्स पड़ी हैं इनके पास 350 की, आपके पास हर कलर पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास साइज जो होता है वो भी बड़ा होता है, सारा छोटे से बड़ा, अच्छा ठीक हो गया, वैसे ये बाहर आप नॉर्मल अगर लेने जाओ तो कितने तक की मिल जाती है, तो आपको 2000-2500 रुपये की चीज़ यहाँ पे 350 रुपये की आपको अवेलेबल मिल रही है, ये चेक कर सकते हो, बहुत सी रेडी है यार यहाँ पे, आप लोग ये देखो ये भाई हैं, आगे अपर वगैरह लगे हुए हैं, अभी तक मैंने ना आपको पिंक ना शूज़ दिखाए हैं और मैंने आपको दिखाया था पिंक एयरबड्स का कवर, या आप लोग देख सकते हो पिंक इस्त्री भी अंकल के पास पड़ी हुई है, व्हाट अ फैंटास्टिक कलर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के मैं फारिग हो गया हूँ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये पड़े हुए हैं कैमरे, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ये जो आपके पास कैमरे पड़े हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है, इनकी प्राइस वगैरह क्या है, ये 1500 रुपए का पड़ा है, 1500 रुपए के पड़े हुए हैं आपके पास, तो ये इसमें क्या फंक्शन है मुझे बता सकते हैं, पोलराइड कैमरा है, मतलब कि 1-2 मिनट के बाद पिक्चर बाहर आती है, अच्छा 1-2 मिनट के बाद पिक्चर बाहर आती है, यानी कि जिस तरह प्रिंट बाहर आता है, हाँ जी प्रिंटिंग, अच्छा अरे दिखा चेक कर वो वाला दिखा जो नीचे पड़ा है, अच्छा यानी कि बिल्कुल ठीक है,
बेहतरीन। अच्छा इसमें डलती हैं सेल डलती हैं कैसे डलती है और आई थिंक बैटरी डलती है। ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ना अगर आप जो तस्वीर बनाते हो ना बाथरूम वो खोल, वो वाली जगह खोल जिसमें कैसे डलती है। अच्छा यहाँ से ये खुलेगा और यहाँ पे कैसे डलेगी, ये कैसे डली हुई है। अच्छा डली हुई है मतलब ये फुल होगी, मतलब अच्छा ये फुल है तो भरी हुई आपको लेनी पड़ेगी, ये तो खाली है। अच्छा ये खाली है यानी कि हमें न्यू लेनी पड़ेगी। अच्छा जो आप कैसे डालोगे इसमें, ठीक है वो फिर जो प्रिंट होता है ना जिस तरह प्रिंटेड तस्वीर होती है, तो यार ये ब्लैक में निकलती है या कलरफुल में निकलती है। कलर में निकलती है, बेहतरीन काम है। 1500 रुपये के भाई दे रहे हैं और ये चेक कर सकते हो सौरों का सेम रेट है, तो यार बड़ी प्यारी चीज है। बिल्कुल सारे ठीक पड़े हुए इनके पास, बहुत माशाल्लाह सस्ते दे रहे हैं। ये पकड़ यार बाहर से यही लेने जाओ, चलो बस नाली शुरू। ऐसे अगर लेने जाओ तो ये कितने तक मिल जाते हैं, वैसे कोई आइडिया है। से लेने जाओगे 3-4 हज़ार रुपये का मिलेगा। अच्छा 3-4 हज़ार रुपये का कम से कम मिलेगा, कम से कम। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया यार। ये स्पीकर पड़े हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं काफी बड़े पड़े हुए हैं। इनका रेट बताइएगा। 8,000 की। अच्छा वो जो बड़ी वाली जोड़ी है ना, ये वाली ये है 8,000 की, और ये वाली जो जोड़ी है ये 3,000 की है। बाकी यार कंडीशन भी प्यारी है, साथ आई थी पता नहीं क्या पड़ा हुआ उसका, मुझे नाम नहीं पता। कि आप लोग ये देख सकते हैं वो टीवी भी पड़ा हुआ है, इनके पास हीटर भी पड़ा हुआ है, सर्दियाँ आने वाली हैं पकड़ लो हीटर शीटर इनके पास, तो देखते हैं। ओह रेसिंग कार भी पड़ी है बच्चों की, नाइस। ये स्पेशल हमने बाइक को बोला है कि ये हमें दिखाएं शाम वगैरह, क्योंकि ये पड़े हुए थे यार, प्राइवेसी होती है इंसान की, ठीक है और भी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको पता है बाजार है कोई 100 मामलात होते हैं। खैर एनीवेज इसके अंदर सांप है, तो ज़रा मुझे दिखा सकते हैं थोड़ा बाइट निकाल के कितने सांप हैं। अच्छा ये पकड़ भी रहे हैं और नहीं कुछ भी नहीं कहते, बस एक पप्पी करेंगे। अच्छा ये इसने जुबान निकाली हुई है, ये इसका क्या जहर का क्या सीन होता है, ये मतलब निकाला हुआ आपने? जहर होता ही नहीं है कुदरत की तरफ से, अच्छा ये जहर से बगैर होता है। ये वाली जो नस्ल है जहर के बगैर है, जहर के बगैर है, आपको जो कोबरे हैं वो जहरीले। अच्छा पकड़ पकड़। अच्छा यार ये पकड़ने वाला है भाई, देखने मेरे पास एक ही ऐसा डिफॉल्ट दोस्त है, तो ये ना ये इसको बच्चे उसका मुँह तो नीचे कर ना वीडियो के चक्कर। बहन डर गई। यार वो ना साइकिल खड़ी हुई है जो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि ना जाके उनकी वीडियो बनाते हैं। जब मैं उनके पास गया हूँ ना, मैंने उनसे पूछा कि रेट मुझे बता दें, पहले मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं बनाना, तो मैंने उन्हें कहा रेट बता दें। यार अब उनको ये नहीं पता ना यहाँ पे पिंडी बॉयज आए हैं, हम यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं। देखो यार ये गलत बात होती है। अच्छा एक रोड के किनारे में बैठा हुआ है और वो ना पुरानी साइकिलें बेच रहा है और नखरे ऐसे कर रहा है जैसे वो गीगा मॉल में बैठा हुआ है। अच्छा यार हैरानी में इसको एक मसला नहीं है अगर उन्होंने नहीं बताया। बाकी यार ये साइकिल भी खड़ी हुई है और ये वाली साइकिल भी खड़ी हुई है, यहाँ पे आओ इनसे पूछते हैं कि ये किसकी साइकिलें हैं। ये जो साइकिल्स खड़ी हुई है ये किसकी हैं? हमारी है। कितने की, क्या रेट लगाया हुआ है? कौन सी लेनी है? ये फोनिक्स वाली रेड वाली। आपने डर लिया आंखों में लाल लगा। अच्छा सॉरी मार। हां जी हां जी बताएं। 8,000 का। तौबा। वैसे अंकल ने रेट काफ़ी ज़्यादा बताया मुझे देख के ना कि मैंने वीडियो ऑन की हुई है। बाकी आप आओ तो ये 4,000 तक की, 3,500 तक की आप लोगों को इजी मिल जाएगी। यार अब ना रात हो चुकी है, आप लोगों को मिलवाते हैं अपने अपना इंट्रोडक्शन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना, अच्छा जब तक मैंने कैमरा नहीं ना ओपन किया था अंकल को याद नहीं आया था मैं से क्वेश्चन करना। खैर एनीवेज आई एम मोहम्मद तैयब, तैयब मुगल व्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल है। बाकी आप मोहम्मद तैयब अली, तैयब मुगल व्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल, तैयब मुगल व्लॉग व्लॉग ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ योर YouTube चैनल। आई वांट टू ट्राई टू रिमेंबर योर चैनल नेम। ओके ओके दिस इज द नेम ऑफ योर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई एम नॉट मैड, I will never subscribe to your channel. Why? Don't worry about anything. I'm recording to you, man. अच्छा, you are recording? नहीं। तो अब मैं अपनी पब्लिक को थोड़ा बता दूँ। Can I? बे साले। You have to never ask me what my name. I know you are an English man. This is your nickname. No, not my nickname. This is my banner name. ठीक है समरिया। Please tell me what's your name. You will remember my name. Okay. I will give you this. अब्दुल पपंग वली खान अब्दुल पपंग अब्दुल पापा पक्की खान। मेरा नाम भी कर रहे हो पप्पी खान। आप देखो मैंने पहले गिफ्ट वापस किया, अब मेरा गिफ्ट निकालो। अब्दुल पापा खान पुत्र पांजा बंदे का पुत्र पांजा।
अब्दुल पप्पी पकड़ी हाँ मैंने आपको चैलेंज किया अब्दुल पकड़ पकड़ी हाँ मैंने आपको चैलेंज किया yes, yes. आपने कबूल किया प्लीज स्पीक इन इंग्लिश ये देख सकती है सोनी सोनी सी बच्ची का परफ्यूम मारो कैन यू ट्रांसलेट माय सेंटेंसेस इन इंग्लिश कैन यू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस एक्चुअली आई डोंट नो इंग्लिश नहीं 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 वेरी सिंपल इंग्लिश ओके जस्ट एज क्लास 6 और 7 ओके 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 इंग्लिश का इम्तिहान हो रहा है जी मारा इफ अगर इज अ बट लेकिन बट क्या क्या कहा मैंने बड़ी से If अगर is a but लेकिन but क्या If अगर is a but मगर what क्या हाँ translate करो let's translate it यार मैंने translator told you ए डर गई अगर is है but लेकिन but क्या मैंने कहा pigeon कबूतर सर क्या बात pigeon कबूतर salute यार और कुछ भी नहीं अब मेरा ना जो perfume है ना मुझे gift निकाल मेरा परफ्यूम गिफ्ट कर दें सर प्लीज यू हैव मिस्ड माय नेम यार सर नहीं मिस किया किधर मिस किया मैं बस रिकॉर्डिंग कर रही हूं आप रिकॉर्डिंग कर दिया यार रिकॉर्डिंग ला दिया मैंने आपको यार मैंने किधर मिस किया तो ठीक है यार हम अब्दुल पकड़ परी हां से मिलते हैं अब्दुल पंगा फली खान दौड़ दो पांच दौड़ दो चार रोटियां दौड़ दो चार रोटियां दौड़ दो बेटा 22 होते हैं दो जमा दो चार होते हैं क्वेश्चन ठीक है लॉजिक ठीक है ये हिसाब में भी आप रह गए आप इंग्लिश में भी रह गए नहीं नहीं इंग्लिश में तो नहीं रे मेरा मैं तो ये 100% गारंटी दे रहा हूं ट्रांसलेट नहीं किया सेंटेंस बट लेकिन बट किया अच्छा अंकल ना जब कैमरा ऑन होते ना स्टार्ट हो जाते मेरी बात ही सुनते मैंने आपने जो मुझे नाम को बोला था नाम तो मैंने ले लिया टेंस वाली बात भी आपने नहीं बात की है एनीवेज यार इसको हम रखते हैं साइड पे ये टॉपिक लंबा हो गया अंकल को मिलते हैं और अल्लाह हाफिज करते हैं नहीं 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 मेरा क्वेश्चन आना चाहिए हां बोल अच्छा अंकल आप बताएं सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है बादलों में जमीन पे अच्छा वहाँ पे जमीन नहीं है ना ठीक है इंग्लिश मैन अल्लाह हाफिज अल्लाह आपको प्रमोशन दे आपके चैनल को तरक्की दे आमीन तो चैनल का नाम है तैयब व्लॉग मुगल व्लॉग अगर के तैयब मुगल व्लॉग अगर पसंद आया अगर मेरा इतना इजी नाम अंकल बोल सकते हैं तो पकड़ पकड़ हान मैं नहीं बोल सकता मोहम्मद नुमान खुर्शीद ठीक है जी मोहम्मद नुमान खुर्शीद तो मेरा बेटा मैं आपकी तरह चैनल के लिए तरक्की की दुआएं करता हूं सबसे कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी अल्लाह ताला आप सब्सक्राइब करें चलो जी रिकॉर्ड ना हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्लाह ताला इज्जत दे आपको ठीक है बहुत बहुत मेहरबानी निकलते हैं अब हम जज़ाकअल्लाह यार अंकल के साथ ना टाइम बहुत अच्छा गुजरा ठीक है ये जो लॉन्ग टाइम होगा इसको तुम लोग एडजस्ट कर लेना बाकी जो यार अंकल ने इतना मुश्किल पहले मुझे नाम बता दिया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल नाम ठीक था वो वीडियो में आप लोगों ने सुन भी लिया होगा मुरीद हो गया खैर यार एनीवेज अभी हम निकलते हैं घर सुबह आए थे और देख लो रात हो गया बस यही ख्वारी होती है खैर एनीवेज अभी निकलते हैं हम घर जाके बल्कि यहाँ पर ही करता हूँ मैं अपना व्लॉग एंड होप से तुम लोगों को अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत बहुत ध्यान रखना भाई गलती हुई उसके लिए काइंडली सॉरी फी मानिला बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़